A very good morning to you all, my dear students. This is Manisha Singh and I am here to explain you chapter 8 of English Reader. The name of chapter is The Ugly Duckling. Students, ये chapter किसके बारे में है? ये chapter एक duckling के बारे में है, duck के बारे में. Duckling जो बहुत ही ज़्यादा ugly है, जो बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती, बहुत ही ज़्यादा बुरी दिखती है. Okay? इस ugly duckling के बारे में ये chapter है. Okay? Now. Okay, once upon a time, down on an old farm, lived a duck family and the mother duck had been sitting on a clutch of new eggs for some time. एक time की बात है, एक समय की बात है, एक old farm पे. Farm जानते हो students, what is the meaning of farm? Farm का मतलब होता है खेत, an area of land used for growing crops or rearing animals. वो एरिया जहाँ पे या तो हम वहाँ पे कोई क्रॉप्स को ग्रो करते हैं या फिर एनिमल्स को हम रियर करते हैं. ओके, उसे हम फार्म कहते हैं. तो एक समय एक ओल्ड फार्म पे लिव्ड अ डक फैमिली. कौन रहती थी? एक डक की फैमिली रहती थी. एंड द मदर डक हैड बीन सिटिंग ऑन अ क्लच ऑफ न्यू एग्स फॉर सम टाइम. और जो मदर डक है वो कहाँ पे बैठती है? क्लच ऑफ न्यू एग्स फॉर सम टाइम. न्यू एग्स फॉर सम टाइम, क्लच मीन्स ग्रास्प, होल्ड फर्मली. उस एग्स को इकट्ठा कर वो जो मदर एग, मदर डक है, वो उसके ऊपर कुछ टाइम के लिए बैठती है. ओके, वन फाइन मॉर्निंग द एग हैच्ड एंड आउट पॉप्ड सिक्स चिरपी डकलिंग्स. एक सुबह की बात है, एक बहुत ही अच्छे सुबह की बात है, जो एग है हैच्ड. हैच्ड का मतलब होता है एग ओपन एंड प्रोड्यूस अ यंग एनिमल. वो जो एग है वो अपने आप टूट जाता है और उसमें से एक यंग एनिमल निकलता है. ओके, उसे हम हैच करना कहते हैं, हैच कहते हैं. तो एक सुबह एग हैच्ड एंड आउट पॉप सिक्स चिरपी डकलिंग्स. सिक्स चिरपी डकलिंग्स का मतलब होता है छः, मतलब जो डकलिंग्स आवाज़ निकालते हैं ना, जब छोटे छोटे डक्स आवाज़ निकालते हैं, नॉइज़ निकालते हैं, तो उनके मुँह से कैसी आवाज़ आती है? चिरपी आवाज़ आती है. ठीक है, बहुत ही शार्प नॉइज़ होती है वो. ओके, तो ये सारे जो सिक्स डकलिंग्स थे वो इसी तरह की आवाज़ निकाल रहे थे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, नाउ बट वन एग वॉज बिगर देन द रेस्ट एंड डिडंट हैच. पर उनमें से जो एक एग था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उस एग ने हैच नहीं किया था. वो कौन सा एग था? ये जो सिक्स एग्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स आपको, इन सब में एक बहुत ही बड़ा, ये वाला एग दिख रहा है आपको, ये वाला जो एग है ये था और ये हैच नहीं हुआ था. द मदर डक कुड नॉट रिकॉल लेइंग दैट सेवेंथ एग. द मदर डक कुडेंट रिकॉल लेइंग द सेवन एग. हाउ डिड इट गेट देयर? वो मदर डक सोचने लग गई कि ये एग कहाँ से आ गया. टॉक टॉक द लिटिल प्रिजनर वॉज स्पेकलिंग इन साइड हिज शेल. जो लिटिल प्रिजनर था, वो पेकलिंग इन साइड हिज शेल, वो पैकल कर रहा था अपने शेल के अंदर. पैकलिंग मीन्स पैकिंग मीन्स, सॉरी स्टूडेंट्स, पैकलिंग नहीं, पैकिंग. पैकिंग मीन्स हिटिंग समथिंग विथ इट्स बीक. अंदर से अपने बीक, बीक का मतलब होता है चोंच, अपने बीक से उस शेल पे टॉक टॉक कर रही थी. डिड आई काउंट द एग्स रॉन्गली? द मदर डक वंडर्ड. जो मदर डक थी उसने सोचा कि क्या मैंने एग्स को गलत काउंट किया है. बट बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट द लास्ट एग फाइनली हैच. पर जब तक उसको ये टाइम लगता ये सोचने में कि उसने कितने एग्स को काउंट किया है कितने एग्स को नहीं, जो फाइनली जो लास्ट एग था वो हैच कर गया, वो खुल गया, उसमें से बाहर एनिमल निकल आया. अ स्ट्रेंज लुकिंग डकलिंग विथ ग्रे फेदर्स दैट शुड हैव बीन येलो गेज्ड एट अ वरिड मदर. अब उसमें से क्या निकला? एक स्ट्रेंज लुकिंग डकलिंग, ये डकलिंग निकली और ये बहुत ही ज़्यादा ऑड दिख रही थी. बाकी जो सारी डकलिंग्स है स्टूडेंट्स, आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ना, बाकी जो सारी डकलिंग्स है उस डकलिंग से जो ये डकलिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है, स्ट्रेंज है, ऑड है. और इसके कैसे फेदर्स हैं? ग्रे फेदर्स हैं.
that should have been yellow gazed at a worried mother. जो बहुत ही ज़्यादा मदर को चिंता हो रही थी, वरिड हो रही थी इस चीज़ की, क्योंकि उसके जो बाकी डकलिंग्स थी वो तो उनके तो सारे येलो फेदर्स थे. अब इस डकलिंग के ग्रे फेदर्स क्यों, ऐसा तो नहीं होता ना स्टूडेंट्स. जब एक मदर कोई भी एनिमल को बर्थ देती है, कोई भी बर्ड को देती है, कोई भी डकलिंग को देती है, तो सारे सेम होने चाहिए, ऑफ सेम कलर, सेम काइंड. पर ये तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये जो डकलिंग है ये ऑड है, ये स्ट्रेंज है. तो जो मदर डकलिंग है वो थोड़ी परेशान हो गई. Now the duckling grew quickly, but the mother duck had a secret worry. जो duckling है वो बहुत ही जल्दी बड़ी हो गई. आपको दिख रहा है ना ये वाली duck को देखकर, ये सारे तो छोटे छोटे हैं पर ये कौन है, ये तो काफ़ी बड़ी लग रही है. But the mother duck had a secret worry. पर वो जो mother duck है वो, उसको secret worry हो रहा था, वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी. वो किसी से बोल नहीं रही थी अपनी चिंता के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में, पर उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी. आई कांट अंडरस्टैंड हाउ दिस अगली डकलिंग कैन बी माइन. वो बोलती है, मदर डक सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये अगली डकलिंग मेरी कैसे हो सकती है. शी सेड टू हरसेल्फ शेकिंग हर हेड एज शी लुक्ड एट हर लास्ट बॉर्न. वो अपने आप से ये बात कहती है अपने सर को हिलाते हुए, एज शी लुक्ड एट हर लास्ट बॉर्न. और फिर वो देखती है अपने जो लास्ट में जो एनिमल बॉर्न होता है उसकी तरफ वो देखती है सर हिलाते हुए, और कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये अगली डकलिंग मेरी कैसे हो सकती है. वेल द ग्रे डकलिंग सर्टेनली वॉज इन प्रिटी एंड सिंस ही एट फार मोर देन हिज ब्रदर्स ही वॉज आउट ग्रोइंग देम. अब क्या होता है, जो ग्रे डकलिंग है वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, ठीक है, और वो अपने भाइयों से ज़्यादा खाता था और उनको भी छोड़ दिया. वो तो उनसे भी ज़्यादा जल्दी ग्रो हो गया, वो तो उनसे भी ज़्यादा जल्दी बड़ा हो गया. आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ना, ये सारे तो छोटे छोटे रह गए पर ये तो काफ़ी बड़ा हो गया. एज द डेज वेंट बाई द पुअर अगली डकलिंग बिकेम मोर एंड मोर अनहैप्पी. जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे वो पुअर अगली डकलिंग, बेचारा अगली डकलिंग जो था वो ज़्यादा ज़्यादा अनहैप्पी होने लग गया, अनखुश होने लग गया. हिज ब्रदर्स डिडंट वॉन्ट टू प्ले विथ हिम ही वॉज सो क्लम्जी. उनके उसके जो भाई थे सारे वो उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे. ही वॉज सो क्लम्जी. क्लम्जी का मतलब क्या होता है पता है, बहुत ही ज़्यादा अनग्रेसफुल, जो देखने में बिल्कुल भी ग्रेसफुल ना लगे, जिसमें कोई चमक ना हो, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगे देखने में. एंड ऑल द फार्म यार्ड फॉल्क्स सिंपली लाफ्ड एट हिम. और जो सारे फार्म यार्ड के फॉल्क्स थे, सारे जो लोग थे, बर्ड्स, एनिमल, वो सारे उस अगली डकलिंग पे हंसते थे. ही फेल्ट सैड एंड लोनली. वो जो अगली डकलिंग था वो बहुत ही ज़्यादा मायूस, सैड हो जाता था और बहुत ही ज़्यादा उसको लोनली फील होता था, बहुत ही ज़्यादा अकेला, जैसे उसका कोई नहीं है, क्योंकि सारे लोग उसके साथ उसके ऊपर हंसते थे, सब उसे अगली कहते थे और उसके जो ब्रदर्स थे वो उसके साथ खेलते भी नहीं थे. व्हाइल द मदर डक डिड हर बेस्ट टू कंसोल हिम. पर जो मदर डक थी वो अपना बेस्ट देती थी उसको कम्फर्ट महसूस कराने में. अब स्टूडेंट्स देखिए, ये दुनिया में फैक्ट है, हमारे साथ कोई भी कितना भी बुरा करे पर जो हमारी मदर होती है वो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं करती है. हमारी लाख खामियों के वजह से, हमारी लाख कमी के वजह से भी हमारी मम्मी हमें एक्सेप्ट करती है और हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है. ऐसे ही एनिमल्स में, बर्ड्स में भी होता है. जो मदर डक है यहाँ पे, वो उस अगली डकलिंग से प्यार भी करती थी और अपना वो बेस्ट देती थी कि वो अपनी उस डक को कंसोल कर सके, कंफर्ट महसूस करा सके. पुअर लिटिल अगली डकलिंग शी वुड से व्हाई आर यू सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. जो पुअर बेचारी डकलिंग, बेचारा डकलिंग, शी वुड से व्हाई आर यू सो डिफरेंट फ्रॉम अदर. वो कहती है कि तुम इतने ज़्यादा अलग क्यों हो बाकी सबसे. एंड द अगली डकलिंग फेल्ट वर्स देन एवर. ही सीक्रेटली वेप्ट एट नाइट. ही फेल्ट नोबडी वॉन्टेड हिम. जो अगली डकलिंग है उसको फिर बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स लगता था, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था खुद के लिए, और वो सीक्रेटली मतलब चुपचाप रोता रहता था. वेप्ट मीन्स टू शेड टीयर.
ओके, अपने आंसू को निकालना, आंसू निकलना किस वजह से? अनहैप्पीनेस की वजह से, खुशी के वजह से नहीं। तो वो जो अगली डकलिंग था वो सीक्रेटली अपने टीयर्स को निकालता था, उसके सीक्रेटली आंसू निकलते थे कि उसको नो ही फेल्ट नोबडी वांटेड हिम। उसको ऐसा लगता था कि उसको उसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। नोबडी वांटेड हिम, नोबडी लव्स मी। वो सोचता था कि उससे कोई प्यार नहीं करता है। दे ऑल टीज मी, वो सब मुझे छेड़ते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। वाई एम आई डिफरेंट फ्रॉम माई ब्रदर्स? जो अगली डकलिंग है वो सोचता था कि मैं अपने भाइयों से अलग क्यों हूँ। देन वन डे एट सनराइज ही रैन अवे फ्रॉम द फार्म यार्ड। एक दिन जब सूरज उग गया था, सूरज निकल आया था, वो फार्म यार्ड से भाग गया। ही स्टॉप्ड एट द पॉन्ड एंड बिगिन टू क्वेश्चन ऑल द अदर बर्ड्स। वो एक पॉन्ड पे रुक गया, ठीक है, और फिर सारे अदर बर्ड्स से पूछने लग गया। ये सारे जो बर्ड्स दिख रहे हैं, ये अगली डकलिंग, उससे क्वेश्चंस पूछने लग गया। डू यू नो अबाउट एनी डकलिंग विद ग्रे फेदर्स? वो पूछता है, क्या तुमने कोई डकलिंग देखी है जिसके ग्रे फेदर्स हैं, पंख हैं, ग्रे कलर के पंख हैं, लाइक माइन, जैसे कि मेरे हैं? बट एवरी वन शूक देयर हेड्स इन स्कॉर्न। पर जो सारे बर्ड्स थे वो अपने सर को हिलाने लगे, इन स्कॉर्न, इन शेम। स्कॉर्न मीन्स होता है शेम, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना। इस तरीके से वो अपने सर को हिलाने लगे। वी डोंट नो एनी वन एज अगली एज यू। पर जो वो बर्ड्स थे उसने भी यही, उन लोगों ने भी यही कह दिया कि हमने तुमसे, तुम्हारे जैसा अगली और कहीं नहीं देखा है। द अगली डकलिंग डिड नॉट लूज हार्ट हाउएवर एंड केप्ट ऑन मेकिंग इंक्वायरीज। जो अगली डकलिंग था उसने अपने आप को निराश नहीं किया, उसने अपने हार्ट को लूज नहीं किया, अब उसका दिल नहीं टूटा, और वो इंक्वायरी, वो पूछताछ करना उसने जारी रखा, उसने बंद नहीं किया। ही वेंट टू अनदर पॉन्ड, वो दूसरे पॉन्ड पे गया, वेयर अ पेयर ऑफ लार्ज गीज गेव हिम द सेम क्वेश्चन टू हिज क्वेश्चन। अब क्या हुआ, वो दूसरे पॉन्ड पे गया, वहाँ पे कौन था, वहाँ पे गीज का पेयर था। गीज क्या है, गीज प्लूरल होता है गूस का, ठीक है, तो वहाँ पे एक पेयर थे गीज के, जिसने उसको वही क्वेश्चन का आंसर दिया जो उन बर्ड्स ने दिया था कि मैं, हमने तो तुम्हारे जैसा अगली और कहीं नहीं देखा है। व्हाट्स मोर दे वॉन्ट हिम डोंट स्टे हियर। अब देखो क्या होता है, उन गीज ने, उन पेयर ऑफ गीज ने तो उनको वॉर्न किया कि यहाँ पे मत रहो, गो अवे, इट्स डेंजरस, यहाँ से जाओ, ये बहुत ही खतरनाक है। देर आर मैन विद गन्स अराउंड देर, वहाँ पे जो, वहाँ पर कौन है, वहाँ पे काफ़ी सारे आदमी हैं जो गन्स को साथ में लेके आए हैं। द डकलिंग वॉज सॉरी ही हैड एवर लेफ्ट द फार्म यार्ड। अब उस डकलिंग को लगा, अब उस डकलिंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, सॉरी फील हो रहा था कि उसने वो फार्म यार्ड क्यों छोड़ा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। नाउ हु सेड द फॉलोइंग, डिड आई काउंट द एग्स रॉन्गली? क्या मैंने एग्स को गलत तरीके से काउंट किया है, गलत काउंट किया है, ये कौन कहता है? यस, ये मदर डक कहती है। नाउ सेकेंड, नो बडी लव्स मी, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, ये कौन कहता है? ये अगली डकलिंग कहता है। कौन कहता है स्टूडेंट्स? द अगली डकलिंग। यस, वी डोंट नो एनी वन एज अगली एज यू, ये कौन कहता है? यस, ये बर्ड्स कहती हैं, किससे? अगली डकलिंग से। डोंट स्टे हियर, ये कौन कहता है? अ पेयर ऑफ गीज, गीज कहते हैं, किससे? अगली डकलिंग से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वर्ड मीनिंग, सो लुक हियर स्टूडेंट्स, कॉर्न मीन्स शेम, टीज मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, क्लम्सी अनग्रेसफुल, कंजूल कंफर्ट, गेज्ड looked, clutch, grasp. Now make sentences. Gazed. I gazed up there. Gazed का मतलब होता है looked. Students, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, make sentences कभी भी learn नहीं किया जाता। अगर आपको लगता है
एटलीस्ट मेक सेंटेंस के अलावा भी आप कोई मेक सेंटेंसेस बना सकते हो जिसका सेंस बन रहा है, वो परफेक्ट है वो सेंटेंस, तो आप उस सेंटेंस को लिख सकते हो. टीज, आई लाइक टू टीज माई ब्रदर. स्कॉन, यू शुड स्कॉन ऑफ योर बैड हैबिट्स. Different, I can make different dishes. Console, I feel console with him. I feel console with him. Okay, students? Now question and answers. The first question is, why did the mother duck have a secret worry? Mother duck ke paas ek secret worry kyun tha? So the answer is, the mother duck had a secret worry because she was not able to understand how can that ugly duckling be of her and as different of her other cute ducklings. जो mother duckling थी उसे secret worry क्यों था, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रही थी क्योंकि कि ये अगली डकलिंग उसकी कैसे हो सकती है और उसकी जो बाकी सारी क्यूट डकलिंग से उससे डिफरेंट कैसे हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, इसलिए मदर डकलिंग को वरी था. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द पुअर अगली डकलिंग अनहैप्पी. पुअर अगली डकलिंग अनहैप्पी क्यों थी. द पुअर अगली डकलिंग वाज अनहैप्पी बिकॉज नोबडी लव्स हिम. Her brothers did not want to play with him and all the farmyard folks used to laugh at him. Poor ugly duckling unhappy isliye tha kyunki koi usse pyar nahi karta tha. Uske jo sare brothers the wo uske sath khelna nahi chahte the aur bhi jo sare folks the farmyard ke wo us par hanste the. Now third, why did all the farmyard folks laugh at the ugly duckling. Sare farmyard ke folks ugly duckling par kyun hanste the. All the farmyard folks laughed at the ugly duckling because he was very ungraceful. जो ugly duckling था वो बहुत ही ज़्यादा ungraceful था, इसीलिए जो farmyard के सारे folks थे वो उस ugly duckling पे हंसते थे. Now four, what did the birds at the pond reply to the ugly duckling's answer? सारे birds जो pond पे थी उसने उन ugly duckling का answer क्या दिया. उन्होंने कहा, द बर्ड्स एट द पॉन्ड रिप्लाई टू द अगली डकलिंग्स आंसर बाय शूकिंग देयर हेड्स इन शेम एंड देन रिप्लाइड दैट वी डोंट नो एनीवन एज अगली एज यू. जो सारे बर्ड्स थे पॉन्ड पे उसने अगली डकलिंग का आंसर कैसे दिया, अपने हेड्स को शूक करके हिलाकर पर बहुत ही ज़्यादा शेमफुल मैनर में, और कहा हमने तुम्हारे जैसा अगली कहीं भी नहीं देखा है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. इस चैप्टर में एक मदर डक है, उसके सारे डकलिंग्स हैं जिसमें से एक डकलिंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अगली होता है. उसको ऐसा लगता है कि उससे कोई प्यार नहीं करता है, उससे कोई भी पसंद नहीं करता है, कोई भी उसको नहीं चाहता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड वेरी केयरफुली. थैंक यू.